आज फूड इंडस्ट्री दुनिया की छठी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें हमारे स्टार्टअप भी पीछे नहीं है। आज हम पांच भारतीय स्टार्टअप की बात करेंगे जो एकदम यूनिक है, जिनकी यूनिक आइडिया की वजह से काफी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टार्टअप है फेसोस। यह एक फूड ऑन डिमांड स्टार्टअप है जिसमें आपको जो खाने खाने की इच्छा होती है आप ऑर्डर कर सकते हैं। फेसोस कस्टमर से ऑर्डर लेकर इसे खुद बनाकर इसे खुद ही डिलीवर करता है। इसकी वैल्यूएशन 700 मिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है। अभी तक 111 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर चुके हैं। इस स्टार्टअप को जेडी बर्मन और कल्लोज बनर्जी ने 2004 में शुरू किया था। आज ये भारत की 35 शहरों में क्लाउड किचन के साथ काम करता है। अगर आप नहीं जानते क्लाउड किचन क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लाउड किचन उन किचन को कहते हैं जो कि किसी छोटी सी जगह में बनाई होती है जिसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। क्लाउड किचन डिलीवरी के द्वारा ही चलते हैं। इसमें डेकोरेशन और खाना सर्व करने की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से इनमें कम समय और कम खर्च में ज्यादा डिलीवरी कर सकते हैं। इस वजह से इस किचन को कहीं पर भी खोला जा सकता है जिसमें ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। अब चलते हैं हमारे अगले स्टार्टअप की तरफ, फ्रेश मेनू। ये एक स्टार्टअप एक नए कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा है। ये हर रोज अपने कस्टमर्स के लिए एक नई डिश बनाता है जिससे कस्टमर हर रोज कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। ये लोगों को मंथली पैक की सर्विस भी प्रदान करता है। ये स्टार्टअप अपने शॉप से 3 से 4 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करता है। इसका अपना एक अलग मेन्यू होता है जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर आप जोमेटो स्विगी या खुद इनकी ऐप या वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्टअप ने अभी तक 25 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है। इसकी वैल्यूएशन 53 मिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है। ये अलग अलग शहरों में अपने काफी सारे क्लाउड किचन खोले हुए जिससे लोगों को खाना पहुंचाते हैं। इसकी शुरुआत रश्मि ठाकर ने 2014 में बेंगलोर में की थी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टार्टअप की तरफ, इनर्शिया। ये स्टार्टअप लोगों को उन डिश का स्वाद चखाता है जो कि उन्हें आसानी से नहीं मिलती। इसके साथ ही अपने दो डिलीवरी सर्विस भी चलाता है जिसमें से पहला है रेडी टू। इस सर्विस में कस्टमर को खाना डिलीवर करते हैं। दूसरा है रेडी टू। इस सर्विस में उस सामान की डिलीवरी करते हैं जिससे खाना बनाने में ज्यादा समय और परेशानी नहीं होती, जैसे कटी हुई सब्जियां, मिक्स मसाले, ऐसी चीजें डिलीवर करते हैं। ये या तो इसे खुद बनाते हैं अपने क्लाउड किचन में या फिर इसे ऑर्डर लेकर बाहर से डिलीवरी करते हैं। अभी इनकी सर्विस दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद में ही हैं। इनमें से अभी तक 15 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज कर चुके हैं। इन स्टार्टअप की वैल्यू 30 मिलियन डॉलर तक हो चुकी है। इस स्टार्टअप को राजस्थानी ने शुरू किया था। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कभी कभी हम रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ रेस्टोरेंट खोले हैं, जिससे हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ में हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है और हमें लगता है कि कुछ ऐसा होता है इससे कि हमें पता चल सकता कि रेस्टोरेंट खुले है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आया है डाइनआउट। ये एक रेस्टोरेंट सीट रिजर्व स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत अंकित मल्होत्रा ने 2012 में की थी। ये भारत की 20 शहरों में 40,000 से भी ज्यादा होटल के इनका टाइप है। ये कस्टमर इनकी ऐप से सीट रिजर्व तो कर ही सकता है, साथ में इन्हें पेमेंट करने की सुविधा होती है जिससे कस्टमर जब इनकी पेमेंट करता है तो उसे कैशबैक भी दिया जाता है। डाइनआउट को 10 मिलियन डॉलर में टाइम्स इंटरनेट ने खरीद लिया है। डाइनआउट भारत के अलावा अफ्रीका, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब में भी अपनी सर्विसेज कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या बढ़ते हैं हमारे अगले स्टार्टअप की तरफ, खाना खाना तो सभी को पसंद है, वहीं कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो कि लगभग सभी को पसंद होती हैं, जैसे बिरयानी। मुझे भी पसंद है। इसी को समझते हुए बिरयानी वहकलों की स्टार्टअप शुरुआत हुई जो कि आपको हैदराबादी, लखनवी और कोलकाता की बिरयानी मिट्टी के बर्तन हांडी में परोसता है। इसी के साथ ही सेलिब्रेशन पैक, करी और कबाब भी देते हैं। इनके 22 शहरों में 50 से भी ज्यादा स्टोर खुले हुए हैं। ये आपको होम डिलीवरी की सर्विसेज देते हैं जिसकी शुरुआत मई 2015 में हुई थी। इन्होंने अभी तक 9 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है। इनकी वैल्यूएशन 20 मिलियन डॉलर तक हो चुकी है। इनकी कोशिश है कि बहुत ही जल्द पूरे भारत में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनकी सर्विसेज आपके शहर में अवेलेबल है कि नहीं। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, अगर पसंद आए तो कमेंट करें कि मैं इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।